हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 16 से 31 जुलाई 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ये जुलाई मंथ के करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, जिसमें हमने 1 से 15 जुलाई 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा किया है। आज हम 16 से 31 जुलाई तक के करंट अफेयर को देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आज के इस क्लास में जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में अपलोड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को आप ओपन करेंगे तो उसके होम पेज में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, जिसमें जा करके आप आज के इस करंट अफेयर के क्लास से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, ठीक है। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला के दो बुक, एक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और दूसरा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक है यूनेस्को की विरासत सूची में 24 नए स्थल शामिल किए गए। यूनेस्को की विरासत सूची, भारत की राजधानी नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 तक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र की मेजबानी की गई। ध्यान दीजिएगा, ये विश्व विरासत समिति सत्र यूनेस्को की 46वें नंबर की ये आयोजित हुई हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक। यह पहली बार है जब देश में इसका आयोजन हुआ, भारत में इसका आयोजन हुआ। ये जो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत समिति सत्र का पहली बार आयोजन हमारे भारत में हुआ। भारत में कहां पर? राजधानी नई दिल्ली में। कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई 2024। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना है, लोकेशन भी याद रखना है, क्योंकि ये पहली बार है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जुलाई को यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले की उपस्थिति में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का उद्घाटन किया। नई दिल्ली सत्र में, यानी कि ये विश्व विरासत समिति सत्र में 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 24 नए स्थान, जिसमें 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल किए गए। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है, उसकी 3 कैटेगरी 3 श्रेणियां होती है, 1 सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा होता है आपका मिश्रित। तो 24 स्थानों में से 19 प्रकार सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत, 4 प्रकार जो है ये आपके प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया। अब इसी के साथ जुलाई 2024 के बाद से अब दुनिया में 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो चुका है, ठीक है। 31 जुलाई 2024 के बाद से अब दुनिया में जो है टोटल 1223, इस आंकड़े को भी याद रखना है, 24 नए शामिल किए गए, 24 नए शामिल होने के बाद अब दुनिया में 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं, जिसमें टोटल अब तक 952 सांस्कृतिक श्रेणी के, 231 प्राकृतिक श्रेणी के और 40 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। टोटल कितना है? 1223। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है, यानी इटली में सबसे ज्यादा विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है, टोटल 60। सेकेंड नंबर पर है चाइना, 59, ठीक है। आपके 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। हमारा भारत में 43 स्थान जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और 43 स्थान के साथ 6वें स्थान पर है हमारा भारत इस सूची में, ठीक है। सर्वाधिक विश्व विरासत स्थलों की सूची जो है, या विश्व विरासत स्थलों की संख्या के आधार पर, पहले नंबर पर है इटली, दूसरे नंबर पर है चाइना, हमारा भारत जो है 43 विश्व विरासत स्थलों के साथ 6वें स्थान पर है, ठीक।
जिसमें से नवीनतम स्थल यानी कि जो आपका सत्र आयोजन हुआ, इस सत्र में हमारे भारत के एक स्थान को शामिल किया गया। नवीनतम स्थल असम के मोईदाम, अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है, ठीक है, इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी आपके सत्र में डिसीजन लिया गया कि सेनेगल, सेनेगल एक देश है, सेनेगल के नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया गया और फिलिस्तीन में स्थित सेंट हिलारियन मठ या इसे टेल उम आमेर कहा जाता है को यूनेस्को के खतरे में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक स्थान को हटाया गया नेशनल पार्क को और आपका सेंट हिलारियन को मठ को शामिल किया गया खतरे की सूची में। ये खतरे की सूची की बात हो रही है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कहाँ आयोजन हुआ, कब से कब तक आयोजन हुआ, कौन से नंबर का संस्करण है, कितने नए स्थान शामिल किए गए, वर्तमान में स्थानों की संख्या कितनी है, ये जुलाई 2024 तक की स्थिति में है। आगे अगर अपडेट होगा तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत से जिस एक नए स्थान को इस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो कौन सा है। मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, मोईदाम, ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत के पूर्वोत्तर भारत में जो सेवन सिस्टर स्टेट है उसमें से एक असम, असम का मोईदाम जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। मोईदाम क्या है इसे आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का कब्रगाह जहां पे अहोम राजवंश के उनके परिवार या राजा का वहां उन्हें दफनाया गया है, उनका वहां पर कब्र मौजूद है। मोईदाम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया तीन श्रेणियां सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, तो सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है अहोम राजवंश के इस मोईदाम को जो कि असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अहोम वंश जो कि असम वाले क्षेत्र में 1228 से 1826 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, तो अहोम वंश के समाधि स्थल जो कि मिस्र के पिरामिड, मिस्र का पिरामिड किस शेप में, इस शेप में रहता है, मिस्र के पिरामिड और प्राचीन चीन के शाही कब्र, ठीक है, कब्र की बात हो रही है, चीन के शाही कब्र की तरह अद्वितीय है। पूर्वी असम के चरईदेव जिले में यह स्थित है। देखिए ये जो मोईदाम है ना, इस मोईदाम को जिले के साथ चरईदेव मोईदाम ऐसे भी लिखा हुआ आपको आएगा, ठीक है, सामने जो है जिले का नाम भी जोड़ दिया जाता है, चरईदेव मोईदाम। मोईदाम क्या है, एक प्रकार का कब्रगाह है, ठीक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। भारत में जुलाई 2024 तक की स्थिति में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है, 43। इससे पहले 41वें नंबर पर था आपका शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 42वें नंबर पर था होयसल मंदिर समूह कर्नाटक, आपका 42वें नंबर पर, 43वें नंबर पर है मोईदाम अहोम राजवंश का असम राज्य, ठीक है। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का सत्र भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। असम का मोईदाम अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला, यहां ध्यान देना, असम तथा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत यानी कि पूर्वोत्तर भारत का तीसरा स्थल तथा सांस्कृतिक श्रेणी का पहला स्थल है। ध्यान समझ जाए क्या बोल रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो मोईदाम जो शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यह असम राज्य का साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत का, यह जो सेवन सिस्टर स्टेट है पूर्वोत्तर भारत का यह तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है लेकिन सांस्कृतिक श्रेणी का पहला स्थान है। इससे पहले इसी असम राज्य के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। यहां पे जो बोला जा रहा है तीसरा स्थल, तीसरा स्थल किस प्रकार से, काजीरंगा और आपके मानस, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस अभ्यारण्य, इन्हें पहले शामिल किया गया था, अब तीसरे नंबर पर आ गया आपका मोईदाम, लेकिन ये दोनों के दोनों किस श्रेणी के है, प्राकृतिक श्रेणी के है, सांस्कृतिक श्रेणी का पहला है आपका मोईदाम, ठीक, समझ में आया। तो इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करें
तो वर्ष 1983 में अजंता की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, दोनों महाराष्ट्र में स्थित है, उत्तर प्रदेश का आगरा में स्थित जो ताजमहल है और आगरा का किला यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल थे। ठीक है, हमारे भारत से पहली बार जो जिन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो कौन कौन से थे, 1983 में शामिल किया गया अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, ये पहली बार जिन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए मोईदाम, ये मोईदाम क्या है, मोईदाम का अर्थ होता है आत्मा के लिए घर, आत्मा के लिए घर यानी कि कब्र। जैसे कि कहा गया इसे मिस्र के पिरामिड से कंपेयर किया जा रहा है, देख रहे हैं किस शेप में है, ऐसे पिरामिड के शेप में है, मिस्र के पिरामिड से इसे कंपेयर कर रहे हैं। एक दफन स्थल है, आत्मा के लिए एक दफन स्थल है जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं जिसमें ताई अहोम राजाओं और उसके राजघरानों के सदस्यों के अवशेष हैं। देखिए ये क्या बोला जा रहा है, खोखले तहखाने हैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसे टीला उठा हुआ है, यहां से ऐसे खोखला है, ये खोखला जहां पर राजाओं और राजघरानों के सदस्यों के अवशेष मौजूद है। तेरहवीं शताब्दी में असम पहुंचे ताई अहोम ने शाही परिवारों के लिए शुरुआत में लकड़ी और बाद में पत्थर तथा पक्की ईंटों से मोईदाम का निर्माण किया। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी से ढका हुआ है लेकिन वास्तव में ये ईंटों से बना है। ठीक है, शुरुआत में लकड़ी से बनाया जाता था, बाद में पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया। ताई अहोम अपने शासकों को दिव्य मानते थे और उन्हें शाही दफन के लिए मोईदाम के निर्माण की एक विशिष्ट अंत्येष्टि परंपरा भी विकसित की। मुख्य रूप से पूर्वी असम के पटकाई पर्वतमाला, ये इसको याद रखना, यहां पर जो है सर्वाधिक है, पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में 90 मोईदाम पाए जाते हैं। ताई अहोम ने पहाड़ियों में, जंगलों में, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी मोईदाम दफनाने का टीला बनाया जिसमें एक पवित्र भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। बरगद के पेड़ का उपयोग करके ताबूत यानी कि अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या होता है, लकड़ी के ताबूत बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से बरगद के पेड़ का उपयोग करके ताबूत के लिए किया जाता था और छाल इसकी पांडुलिपियां मोईदाम पर लगाई जाती थी। पांडुलिपियां यानी कि उस राजा से रिलेटेड या राज परिवार से रिलेटेड जो उस व्यक्ति संबंधी जो जानकारी है वो लिखी जाती थी, छाल की पांडुलिपियां मोईदाम पर लगाई जाती थी। ताई अहोम इन कब्रगाहों को पवित्र मानते हैं जो कि उनकी अनोखी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इतना बताने का कारण क्या है, कहां से क्या क्वेश्चन आएगा या जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको अगर इससे रिलेटेड अगर जानकारी बताने के लिए कुछ बोला गया तो आप ये सारी जानकारी उसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये जो है टीला है जो कि मिस्र से समानता रखता है, चीन के कब्रों से समानता रखता है, ईंटों से पत्थरों से निर्मित है, शुरुआत में लकड़ियों से इसका निर्माण किया गया, बरगद के पेड़ से जो है आपके इसमें जो ताबूत बनाए गए, तो ये सारी जानकारी आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 मनु भाकर ये कौन है, ये संबंधित है निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी से इनका संबंध है, इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 28 जुलाई 2024 पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, तो 28 जुलाई 2024 को मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इन्होंने खाता खोला। इसका मतलब पेरिस में जो भी ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है उसमें सबसे पहला मेडल किसने जीता, मनु भाकर ने जीता। किस खेल में जीता, निशानेबाजी में जीता, आपके 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है। इससे पहले पुरुष वर्ग के निशानेबाज इसमें मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक खेलों में, लेकिन ये महिला प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज है मनु भाकर। ठीक है, स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन ने जीता, जबकि रजत पदक दक्षिण कोरिया की किम ये जी ने जीता। दोनों के दोनों स्वर्ण पदक और रजत पदक ये दक्षिण कोरिया के खाते में गए और कांस्य पदक आया भारत के खाते में। ठीक है, कांस्य पदक जीता किसने, मनु भाकर ने। निशानेबाजी से इनका संबंध है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही, पेरिस ओलंपिक से बनने जाते हैं क्वेश्चन, जब कभी भी ओलंपिक गेम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली अभी छात्रावास अधीक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें खेल वाला अलग से टॉपिक जोड़ा गया है,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, लेकिन खेल वाला एक टॉपिक अलग से जोड़ा गया है, तो इसको याद रखना, इनका नाम याद रखना। ये पहली भारतीय महिला निशानेबाज है जिसने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता। शूटिंग में यह पांचवा मेडल है, बाकी चार पुरुष ने जीते थे। ठीक है, देखिए शूटिंग में यह भारत का पांचवा मेडल है, बाकी चार मेडल पुरुष शूटर ने दिलाए थे। पहला सिल्वर मेडल 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता। दूसरा गोल्ड मेडल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारंग ने जीता। और चौथा सिल्वर मेडल 2012 में विजय कुमार ने जीता था। शुरू के चार मेडल पुरुष वर्ग के द्वारा जीते गए थे। अभी पहली महिला है आपकी मनु भाकर, इनका नाम याद रखिएगा, ये है इनका फोटो। ठीक, ये है आपकी मनु भाकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक भी आपके मनु भाकर से ही रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक 2024 मनु भाकर और आपकी सरबजोत, मनु भाकर और सरबजोत। देखिए संबंधित खेल निशानेबाजी, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाज में कांस्य पदक जीता। 30 जुलाई 2024 को मनु भाकर और सरबजोत की मिश्रित जोड़ी ने, कि मिश्रित टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। कब जीता? 30 जुलाई 2024 को। पेरिस 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर रहा है। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए 21 सदस्यीय मजबूत निशानेबाजी दल भेजा है। टोटल हमारे भारत से जो है 21 सदस्यीय निशानेबाज इसमें शामिल हुए हैं। इसमें सर्बियाई जोड़ी को स्वर्ण पदक मिला, जबकि तुर्की की जोड़ी को रजत पदक मिला। हमारे भारत की जोड़ी को मिला है कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसे मिला है? स्वर्ण पदक सर्बिया देश की जोड़ी को मिला है। उसके खिलाड़ी कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देश को किस देश को मिला उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। उसके बाद तुर्की की जोड़ी को मिला रजत पदक, और हमारे भारत की इस मनु भाकर और आपके सरबजोत को, सरबजोत सिंह, इन्हें मिला है कांस्य पदक। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अभी आगे और भी मेडल्स मिलेंगे, उसको भी हम अपडेट करते हुए चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये मनु भाकर इस बार की स्टार प्लेयर है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग का पुनर्गठन। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया मंत्रिपरिषद में बदलाव के बाद। जो भी मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है, मंत्रिपरिषद में बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने नीति आयोग, जो कि केंद्र सरकार की सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, का पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष रहेंगे, जबकि अर्थशास्त्री सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और इसके उपाध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है अर्थशास्त्री सुमन के बेरी। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आता है, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री है सभी को याद रहता है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष का नाम है सुमन के बेरी। ठीक, ये जो है आपके उपाध्यक्ष है। पुनर्गठित नीति आयोग, चार पूर्णकालिक सदस्य, इसमें चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 15 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। पूर्णकालीन सदस्य कौन है? वो है आपके वी के सरस्वत, जो कि पूर्व इसरो निर्देशक और वैज्ञानिक है। दूसरे है रमेश चंद्र, जो कि कृषि अर्थशास्त्री है। तीसरे है डॉक्टर वी के पॉल, जो कि बाल चिकित्सक है। और चौथे है अरविंद वीरमणि, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। ये चार पदेन सदस्य है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य कौन कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। ये है आपके मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य। ठीक, चार पूर्णकालीन सदस्य और मंत्रिमंडल के चार आपके पदेन सदस्य और 15 आपके मंत्री, यानी कि इनको लेकर के और आगे ये 11, इनके नाम को भी अगर याद कर सकते हैं तो देख लीजिए एक नज़र में, वही जो चीज़ें लिखी हुई है उसी चीज़ को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें कम से कम ये जो नीचे पूर्णकालीन सदस्य है इनके नाम को याद कर लेना, और इधर मंत्रिमंडल के जो पदेन सदस्य है इनके नाम को याद रखना, और इनके अलावा बाकी इसके भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम याद कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। ठीक,
इनके नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ये भी हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, वित्त मंत्री जिन्होंने बजट आपका जिन्होंने बजट बजटीय भाषण दिया निर्मला सीतारमण, इनका भी नाम याद है। आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, ये वर्तमान में कृषि मंत्री है, इनका भी नाम याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नव नियुक्त राज्यपाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई। अब वो राज्यपाल कौन कौन से हैं एक नज़र में याद रखना, क्योंकि 10 आपके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों में फेरबदल किया गया है। तो क्या होगा, आपके एग्जाम में एक साइड राज्यों के नाम दे देगा, एक साइड आपके राज्यपालों के नाम दे देगा, सुमेलित कीजिए करके आएगा। या फिर क्वेश्चन कैसे देगा, एक आपका जो है जोड़ी में देगा, आपके राज्यपाल का नाम संबंधित राज्य, 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 चार ऑप्शन चार युग में देगा, उसमें से किसी एक का गलत कर देगा, यानी कि राज्यपाल का नाम गलत कर देगा या फिर राज्य का नाम गलत कर देगा और बोलेगा कि असत्य युग्म पहचानिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा, सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रामेन डेक्का, इनका डिटेलिंग करेंगे हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में, मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के रमेश बैस थे पहले। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया, ये पंजाब के राज्यपाल है और पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ का प्रशासक भी इन्हें बनाया गया है। इसके साथ साथ असम के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्हें असम का राज्यपाल और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पुंडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, पुंडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं के कैलाश नाथन, इतना फैक्ट याद रखना। अब अगर हमको जनरल स्टडी से रिलेटेड आपके फैक्ट याद रखने हैं तो संविधान के अनुच्छेद 153 भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्यपाल से रिलेटेड राज्यपाल का प्रावधान किस संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल राज्य के कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। प्रश्न पूछा जाएगा राज्य के कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ऐसे ऑप्शन देगा। तो राज्य के कार्यकारिणी का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जाता है। योग्यता यानी कि जो राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो सदस्य है और राज्यपाल बनता है तो उसे आपके विधानमंडल और संसद के पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल के पूर्व भी राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक, ये सारे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO 2024 ईरान के इस्फाहा में 29 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का आयोजन हुआ। ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी फिजिक्स से रिलेटेड भौतिकी ओलंपियाड हाई स्कूल के छात्रों के लिए विश्व चैंपियनशिप है। ये एक स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक वर्ल्ड लेवल का विश्व स्तर का यह चैंपियनशिप है, भौतिकी प्रतियोगिता है। हर साल किसी अलग देश में यह आयोजित किया जाता है। भारतीय दल, हमारे भारत से भारतीय दल के सभी 5 पार्टिसिपेट, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। भारत वियतनाम के साथ चौथे स्थान पर रहा ओवरऑल रैंकिंग पे। ठीक है, भारत जो है अगर ओवरऑल रैंकिंग बात किया जाए तो भारत वियतनाम के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस लिस्ट में चीन पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर है और रोमानिया देश तीसरे स्थान पर था ओवरऑल रैंकिंग में कंट्री वाइज। अगर हम भारतीय दलों की बात करें तो भारतीय दलों में देखिए यहां पर हमारा छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिदम केडिया, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीते
जीते हैं आपके वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्कूल स्टूडेंट है। दूसरे वेद लाहोटी मध्य प्रदेश इंदौर गोल्ड मेडल, नागपुर महाराष्ट्र के आकर्ष राज सहाय सिल्वर मेडल, उत्तर प्रदेश के भाव्या तिवारी सिल्वर मेडल और कोटा राजस्थान के जयवीर सिंह इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ का नाम याद रखिएगा, रिदम केडिया, ठीक, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट देखिए, वुमेन्स एशिया कप 2024, हाल ही में वुमेन्स एशिया कप 2024 का आयोजन हुआ, जो कि एशिया कप का 9th नंबर का संस्करण था, ठीक है। इसका मेजबान देश था श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में एशिया कप्स हुए। इसका फाइनल मैच खेला गया रंगिरी दाबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो कि श्रीलंका दाबुला में स्थित है। रंगिरी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आपका फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच हुआ भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत ने 6 विकेट गवा करके 165 रन बनाए और श्रीलंका ने 167 रन 2 विकेट के नुकसान में बनाए। 8 विकेट से श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट टीम इस एशिया कप को जीती। हमारे भारतीय टीम की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, श्रीलंका टीम की कैप्टन थी चामरी अट्टापट्टू, ये श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। श्रीलंका टीम पहली बार यह खिताब जीता है, एशिया कप इसने पहली बार जीता है। महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी। 2004 से अब तक भारत ने कुल 7 बार, सर्वाधिक भारत वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इस एशिया कप को जीता। बांग्लादेश और श्रीलंका ने एक एक बार यह खिताब जीता है, ठीक है। अब तक जो है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका यही एशिया कप का खिताब जीते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग 2024, जिसे हेनले पासपोर्ट सूचकांक भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम स्थित हेनले एंड पार्टनसन फर्म इसके द्वारा जो है यह वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग जारी की जाती है। यह रैंकिंग है क्या, किसी भी देश की सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। जैसे अगर आप एक देश से, भारत से अगर किसी दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं तो वीजा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पासपोर्ट और पासपोर्ट के साथ साथ वीजा, यानी कि किस पर्पज से आप दूसरे देश में जाना चाहते हैं, पर्यटन के पर्पज से, यानी कि एक टूरिस्ट बनकर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट के पर्पज से, यानी कि आप पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल पर्पज से, यानी कि इलाज के नाम से जाना चाहते हैं, नौकरी के पर्पज से, यानी कि जॉब के नाम से, तो वीजा आपको मिलता है। तो ये रैंकिंग क्या बताती है कि हमारे संबंध दूसरे देश के साथ कैसे है, कि हमारे देश का नागरिक बिना वीजा के दूसरे देश में सफर कर सकता है। देखिए, दूसरे देश में अगर आपको वीजा मिलता तो उस वीजा के एवज में आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर वीजा फ्री हो गया तो बिना पैसे के आप उस देश में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये रैंकिंग ये बताता है कि एक देश बिना वीजा के, वीजा फ्री कितने दूसरे देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली आपका वीजा है सिंगापुर का। सिंगापुर इस सूचकांक में पहले नंबर पर है। सिंगापुर देश के नागरिक दुनिया के 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। 195 देश मायने रखता है, ठीक है। जापान, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इन देशों के नागरिक दुनिया के 192 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इसके नागरिक 191 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। इस सूचकांक में हमारा भारत 82वें स्थान पर है। वो रैंकिंग याद रखना, 82वें स्थान पर है। भारत देश के नागरिक दुनिया के 58 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक ऑर्डर 22 जुलाई को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC ने भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह सम्मान 10 अगस्त को पेरिस के 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा, इनकी अगर हम उपलब्धि की बात करें तो 2008 के बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में ओलंपिक खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय
उन्होंने 2006 के वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। देखिए पहले भारतीय का मतलब यहां पे पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये याद रखना, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। राइफल कैटेगरी में जो है इन्होंने ओलंपिक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय है और 2006 के वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित ओलंपिक संग्रहालय, यानी कि ओलंपिक से संबंधित वस्तुओं का म्यूजियम, ओलंपिक संग्रहालय में अपने स्वर्ण पदक विजेता खेल उपकरण, यानी कि जिस बंदूक से उन्होंने निशानेबाजी की थी, खेल उपकरण को दान करने वाले पहले भारतीय एथलीट है आपके अभिनव बिंद्रा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आपकी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और जिस भाले को फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उस भाले को भी उन्होंने अपने इस ओलंपिक संग्रहालय में दान दिया। तो वो दूसरे, वो जो है सेकंड नंबर के भारतीय एथलीट है। पहले कौन है आपके अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था और जिस बंदूक से निशाना लगा था उसे जो है उन्होंने दान में दिया। ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सर्वोच्च सम्मान होता है यह ओलंपिक ऑर्डर, जो कि ओलंपिक आंदोलन में अहम योगदान के लिए दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने गोल्ड मेडल जिस अपने खेल उपकरण से इन्होंने जीता उसको उन्होंने दान में दे दिया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्री आर श्रीजेश, ये कौन है, इनका भी नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। पी आर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के क्या है, गोलकीपर है। पी आर श्रीजेश ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। वे पेरिस ओलंपिक में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। अभी जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हो रहा है उसमें जो भारतीय हॉकी टीम गई है उसके गोलकीपर है पी आर श्रीजेश, ठीक। श्रीजेश ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में हुआ था भारतीय नेशनल टीम के साथ गेम्स में हिस्सा लिया था और टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में उसमें हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल, सॉरी आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था और उस टीम में शामिल थे आपके पी आर श्रीजेश। इस बार के भी पेरिस ओलंपिक गेम्स में वो खेल रहे हैं, ठीक। पी आर श्रीजेश 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 2021 के वर्ल्ड मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी है। 2021-2022 में लगातार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि पी आर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध हॉकी से है, हॉकी के गोलकीपर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गेवरा व कुसमुंडा कोयला खदान विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई। इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के कोयले के खदान, छत्तीसगढ़ के दो कोयला खदान गेवरा और कुसमुंडा जो कि कोरबा जिले में स्थित है, worldatlas.com, ठीक है, कि दुनिया की शीर्ष 10 कोयले खदानों में शामिल हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के गेवरा और कुसमुंडा। छत्तीसगढ़ के इन दो कोयले खदानों का देश में वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% है। ध्यान समझना, देश में जो 100% कोयले का उत्पादन होता है उस 100% में से 10% केवल ये दो कोयले के खदान से होता है, गेवरा और कुसमुंडा से। बहुत बड़ी बात है, 10% सुनने में कम लग रहा है लेकिन ओवरऑल भारत से जो 100% प्रोडक्शन होता है उसका अकेला 10% ये दो कोयले के खदान इससे उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और 2023-24 में इनका संयुक्त कोयला उत्पादन 100 मिलियन टन से भी अधिक था, ठीक। इस सूची में सबसे अधिक खदानें जो यानी कि टॉप 10 में सबसे अधिक खदानें इंडोनेशिया के हैं, 4 खदान शामिल है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्लैक थंडर खदान को दुनिया का सबसे बड़ा कोयले के खदान का दर्जा प्राप्त है। चीन दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन जो है ये दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता देश भी है, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपयोग भी करता है। विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, चाइना के बाद हमारा भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयले का भंडार है,
ठीक है, डिपोजिशन की बात हो रही है। अगर टॉप 10 की अगर हम बात करें तो worldatlas.com के अनुसार दुनिया के शीर्ष कोयला उत्पादक कोयले खदानों की सूची में देखिए पहले नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ब्लैक थंडर, सेकेंड नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का गेवरा माइंस, थर्ड नंबर पर है अमेरिका का नॉर्थ एंटेलोप रोशेल खदान और फोर्थ नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले का कुसमुंडा। तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर है हमारे छत्तीसगढ़ के कोयले के खदान, इनका याद रखना। जबकि अगर हम बात करें इंडोनेशिया के चार इस सूची में इंडोनेशिया के चार खदान शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, ये क्या है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद पहल भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR द्वारा शुरू की गई एक रणनीतिक अनुसंधान योजना है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में संगठन के भीतर व्यक्तिगत वैज्ञानिकों को विशिष्ट अनुसंधान लक्ष्य सौंपकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना। यानी कि इसमें क्या देखिए, इसमें जो है कृषि के क्षेत्र में व्यक्तिगत वैज्ञानिकों की विशिष्ट अनुसंधान के माध्यम से, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च किए जाते हैं, व्यक्तिगत वैज्ञानिकों की विशिष्ट अनुसंधान लक्ष्य सौंप करके उन्हें एक टारगेट दे करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, इस एक वैज्ञानिक एक उत्पाद का लक्ष्य है। यानी कि एक वैज्ञानिक को किसी एक कृषि उपज पर रिसर्च के लिए दिया जाएगा और वो वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करके जो है उसकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसका शुभारंभ किया गया 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया गया। विशेष यहां अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने समेत 56 फसलों की 223 किस्मों को लॉन्च किया गया। इन फसलों की 289 जलवायु अनुकूल किस्में और 27 जैव संवर्धित किस्में शामिल है। ICAR के सभी 5521 वैज्ञानिकों को एक उत्पाद, एक तकनीक, एक मॉडल, एक अवधारणा पेश करने का टारगेट दिया गया है ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस, सिंगल लाइन वन लाइनर फैक्ट है, ध्यान देना। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को मेंस एशिया कप के अगले संस्करण जो कि 2025 में आयोजित होने वाला है उसकी मेजबानी सौंपी है। यानी कि एशिया कप 2025 का आयोजन हमारे भारत में होगा। ठीक है, क्रिकेट एशिया कप। जिया रॉय जो कि एक तैराक है, पैरा यानी कि हैंडीकैप है, वो एक तैराक, ठीक, जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर, यानी कि हैंडीकैप, पैरा का मतलब हैंडीकैप, पैरा स्विमर बन गई है। उन्होंने 28 से 29 जुलाई के बीच 17 घंटे 25 मिनट के समय में, ध्यान दीजिएगा, लगातार तैर रही है, 17 घंटे 25 मिनट के समय में इंग्लिश चैनल को पार किया। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो कि ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। तो जिया रॉय कौन है? ये एक पैरा स्विमर है जिसने हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया और यह दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर है, इनका नाम याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेबी की प्रतिभूति बाजार के निवेशकों को मदद के लिए सेबी ने वर्चुअल असिस्टेंट सेवा, ठीक है, सेवा चैटबॉट का शुभारंभ किया। चैटबॉट यानी कि आज के डेट में आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई मोबाइल ऐप ओपन करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करने के बजाय आजकल एक चैटबॉट रहता है जहां पर जाकर के आप कोई फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अगर आप टाइप करेंगे तो उसका AI के तरफ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो वैसे ही एक चैटबॉट है सेवा, सेवा किसका चैटबॉट है पूछा जाएगा तो सेबी का, सेबी जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पर जो कंट्रोल करता है उसका चैटबॉट का नाम है आपका सेवा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की हाल ही में जापान की सादो सोने की खान, ठीक है, सादो गोल्ड माइंस को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। एक स्थान है जो 24 नए स्थान शामिल किए गए हैं उसमें से जापान का एक सादो सोने का जो खान है उसे सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। हाईलाइट में था, इसका नाम अलग से याद रखना। नेक्स्ट, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका उद्घाटन समारोह सीन नदी पर हुआ।
पेरिस में ओलंपिक खेल्स का आयोजन हो रहा है, लेकिन उसका उद्घाटन जब समारोह हुआ तो उद्घाटन समारोह सीन नदी में हुआ। यह प्रश्न पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस नदी पर आयोजित हुआ, तो सीन नदी पर आयोजित हुआ। ठीक है, ये जो आपका ये जो सीन नदी है, इस सीन नदी के तट पर फ्रांस का पेरिस शहर बसा हुआ है जहां पे ओलंपिक गेम्स का आयोजन हो रहा है। 90 नावों पर लगभग 6,800 एथलीट्स पेरिस खिलाड़ियों के में 6 किलोमीटर का रास्ता तय किया। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी हुई है। जो उद्घाटन समारोह है वो पहली बार आपके ओलंपिक गेम्स के इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर हुआ है। अब तक जितनी बार ओपनिंग सेरेमनी होती थी वो आपके स्टेडियम के अंदर होती थी, पहली बार स्टेडियम के बाहर नदी में हुआ है ओपनिंग सेरेमनी। किस नदी पर? फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित आपका सीन नदी पर। ठीक है, नदी का नाम याद रखना। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक 27 जुलाई 2024 को म्यांमार की राजधानी नेपिये ताओ में आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया, इसको भी याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो हॉल, एक दरबार हॉल और दूसरा अशोक हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप करने की मंजूरी दी। यानी कि राष्ट्रपति भवन में दो हॉल थे, एक का नाम था दरबार हॉल जिसका नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडल कर दिया गया, एक का नाम था अशोक हॉल जिसका नाम परिवर्तित करके अशोक मंडप कर दिया गया। भारत को पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी मिली है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 होने की घोषणा की गई है। पैराग्लाइडिंग यानी कि पर्वतों के ऊपर ऊंचाई से पैराशूट पहन करके जंपिंग करके, जो पैराशूट में अगर आप देखें पैराग्लाइडिंग करके सर्च कीजिएगा, पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई से जो है पैराशूट पहन के कूदते हैं और पैराशूट से जो है आपके ऊंचाई में एक पैराग्लाइडिंग किया जाता है, तो उसका हो रहा है आपका वर्ल्ड कप। और इसकी मेजबानी 24 की मेजबानी सौंपी गई है हमारे भारत को। भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला में यह वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने नीता अंबानी को फिर से सदस्य चुना। सिंगल वन लाइनर फैक्ट है। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित त्रिपुट नाम का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का युद्धपोत 24 जुलाई 2024 को पानी में लॉन्च किया। देखिए यहां पर ये जो स्वदेशी रूप से निर्मित लिखा है, केवल इस पे ध्यान मत दीजिए, स्वदेशी रूप से निर्मित लेकिन किस श्रेणी का? तलवार श्रेणी का। ठीक है, तलवार श्रेणी का स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत जिसका नाम क्या है? त्रिपुट। ठीक है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर्स मेड इन इंडिया का निर्माण किया जाएगा। यानी कि एक विदेश की कंपनी एयरबस और इंडिया की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दोनों मिलकर के H125 नाम से हेलीकॉप्टर बनाएगी, मेड इन इंडिया। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो एशिया के पहले खिलाड़ी है। हॉल ऑफ सम्मान ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने इस खेल में अपना प्रभाव डाला। ठीक है, तो लिएंडर पेस और अजय अमृतराज को टेनिस जगत में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारतीय टेनिस के दिग्गज, ठीक है, ये शायद रिपीट हुआ है, ये सेम है, सेम फैक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अमेरिकी स्पेस कंपनी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे नासा के नाम से जानते हैं, इसने मार्स पर, ठीक है, मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नासा के मार्स एक्यूरियोसिटी रोवर ने सल्फर की खोज की। ठीक है, इस रोवर का नाम याद रखना, मार्स एक्यूरियोसिटी रोवर। ये पहली बार है जब मार्स पर सल्फर अपने शुद्ध रूप में मिला है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर या रोवर क्यूरियोसिटी जो है इसे 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया। भूस्खलन खतरों को कम करने और उनसे प्रभावित लोगों को प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने
कलकत्ता में स्थित राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की है। ध्यान दीजिएगा क्या बात हो रही है, भूस्खलन, जब जमीन यानी कि पहाड़ पर्वत पूरी की पूरी मिट्टी की परत उसमें सरक जाती है, भूस्खलन। तो भूस्खलन के खतरों को कम करने के लिए, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ठीक है, और उनसे प्रभावित लोगों को प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए, यानी कि उस क्षेत्र में आपका भूस्खलन होने वाला है उसकी चेतावनी देने के लिए भारत सरकार ने कलकत्ता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र स्थापित किया है। प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक। साथ ही भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। भारत सरकार की योजना 2023 तक सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की एक श्रृंखला स्थापित करनी है। देखिए इसका एक पोर्टल, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया भू संकेत, और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया भूस्खलन, ठीक है, जो कि चेतावनी देगा लोगों को भूस्खलन के खतरों से संबंधित। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने फिलिस्तीन के इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया, इल्लीगल, ठीक। इसराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। तो फिलिस्तीन के इलाकों पर इसराइल के कब्जे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अवैध घोषित कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि दो देशों के मध्य विवाद का निपटारा करता है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स, इसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत पिछले 7 साल में स्टेशनों तथा ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को बचाया। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा बच्चों की सुरक्षा में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मॉरिशस पहला देश है जहां पे भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां पे जेनेरिक मेडिसिन मिलता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान की उद्घाटन किया। देखिए जैसे हमारे भारत में आपका जो भिलाई है, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट बना, उनकी मित्रता के स्वरूप मैत्री गार्डन बना है, वैसे ही भारत मॉरिशस के बीच में मित्रता के स्वरूप में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान की स्थापना की गई मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना को वर्ष 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाता है। तो गुलबेकियन पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती योजना को, ठीक है। एक और फैक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की गड़बड़ी ने दुनिया में हलचल मचा दी। हिस्सेदारी के मामले में विंडोज दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आप सभी को पता होगा शायद 19 जुलाई के आसपास माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। एक तो मैकबुक आता है, मैकबुक जो है वो अपने एप्पल के उसमें चलता है, iOS सॉफ्टवेयर पे चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं, जो मैकबुक है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, जो बजट फ्रेंडली होते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डले होते हैं। अधिकांश जितने भी आपके सेक्टर्स हैं, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री यानी कि एरोप्लेन से संबंधित हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, मैक्सिमम चीज़ें जो मैक्सिमम जो सिस्टम यूज़ होता है वो विंडोज़ का होता है। 19 जुलाई को एक अपडेट आया और उस अपडेट से पूरा का पूरा दुनिया जो है वो लगभग थमसा गया। बहुत से फ्लाइट्स कैंसिल हुए, क्यों, क्योंकि विंडोज़ के अपडेशन के कारण सारा सिस्टम बंद पड़ गया था। ऐसा भी कंडीशन आया कि जो बोर्डिंग पास होता है उसे हाथ से लिख करके देना पड़ा एयरपोर्ट में, जो कि पूरा कंप्यूटराइज होता है, ठीक है। तो ये तो एक आंकड़ा याद रखना कि एंड्रॉइड जनरली मोबाइल में यूज होता है, ठीक है, एक एंड्रॉइड फोन होता है, एक iOS फोन होता है, एंड्रॉइड जनरली जो है मोबाइल में यूज होता है। लगभग 44.66% आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट लगभग 27.14% है, iOS यानी कि जिसको आप आईफोन या एप्पल का फोन बोलते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 17.68% है, एक है आपका मैक ओएस जो कि 5.55% है और एक है लिनक्स जिसका 1.5% है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में दूसरे नंबर पर है,
ठीक है। तो ये था आपका करंट अफेयर 16 से 31 जुलाई 2024 तक का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर 5 से 6 दिन के बाद आएगा, ठीक है। चलिए।